गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज योर इंग्लिश क्लास सो टूडे वी हैव डिस्कस द टॉपिक ऑफ प्रोनाउन इन डिटेल आपको पता है ना बच्चों प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन नाउन की जगह पर जिस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं जैसे राम वेंट होम राम वेंट होम अब जब हम दूसरी बार किसी सेंटेंस में राम आएगा तो हम जैसे राम वेंट घूम ही वेंट विद हिज सिस्टर तो सेकेंड टाइम हम राम लगाने की जगह राम की जगह पर ही का यूज जो करेंगे तो उसको प्रोनाउन कहते हैं सो काइंडस ऑफ प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम के प्रकार वैसे तो प्रोनाउन्स के टेन टाइप्स होते हैं पर हम लोग क्लास फोर्थ में इसके सिर्फ फोर टाइप्स को ही डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन सेकेंड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन थर्ड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एंड लास्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं अ प्रोनाउन दैट स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग जो कि एक पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के बारे में बात करता है उसको हम लोग पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ते हैं जैसे वी आई यू ही शी दे मी आवर्स सेकेंड इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसको हम लोग हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से हमें पता चलता है कि यह कोई क्वेश्चन पूछ रहा है अ प्रोनाउन दैट आस्क क्वेश्चन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन दे आर हु वॉट विच एंड होम थर्ड वन इज पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन में वो अपने पोजेशन को बताता है लाइक लाइक दैट माइंड ours, yours, his, hers, its, theirs. Fourth one is reflexive pronoun. Reflexive pronoun को हिंदी में निचवाचक सर्वनाम कहते हैं A pronoun which action, sorry, a pronoun whose action affects the subject. ऐसा pronoun जिसके कार्य से सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ता है उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं जैसे कि माई सेल्फ योर सेल्फ हिम सेल्फ हर सेल्फ इट सेल्फ फिफ्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट टू अ नाउन इज कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दे आर अर दिस दीज दैट दोज एंड लास्ट वन इज रिलेटिव प्रोनाउन अ प्रोनाउन दैट कनेक्ट टू सेंटेंसेज और शो रिलेशनशिप विद द प्रायर नाउन जो कि दो दो सेंटेंसेस के बीच में जो रिलेशनशिप शो करता है उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु को यूज किया जाता है Uh, जहाँ पर हम लोगों ने पीपल के बारे में किसी इंसान के बारे में रिलेशन बताना हो विच का यूज थिंग्स और एनिमल्स के केस में होता है हु होम दैट एटसेट्रा ऑल आर रिलेटिव प्रोनाम सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल सो यू हैव टू ड्रॉ दिस चार्ट इन योर नोटबुक ऑल्सो थैंक यू